प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों को मानते हुए पुलिस प्रशासन ने एएसआई रामलाल ठाकुर को डेढ़ माह बाद शहरी पुलिस चौकी मंडी का फिर से प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बता दें कि इस मामले में ठेकेदारों ने सैकड़ों लोगों को एकत्र कर पुलिस व एएसआई के खिलाफ नारेबाजी कर दबाव डाला था कि उनका जिला से बाहर तबादला कर दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए उन्हें उसी पद पर बहाल करने के आदेश दे दिए। एएसआई रामलाल ठाकुर को मंडी जिला पुलिस ने फिर से सिटी चौकी मंडी के प्रभारी के पद पर तैनाती दे दी है। रामलाल ठाकुर ने सिटी चौकी प्रभारी के रूप में फिर से अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि बीते महीने लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता और एएसआई रामलाल ठाकुर के बीच सड़क पर बिखरे सामान को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रामलाल का सिटी चौकी प्रभारी के पद से तबादला करके इन्हें सलापड़ पुलिस चौकी भेज दिया गया था। रामलाल ठाकुर ने अपने तबादले को लेकर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, जहां से रामलाल के हक में फैसला सुनाया गया था, लेकिन फैसला सुनाए जाने के काफी समय बाद भी उस पर अमल नहीं हो रहा था। अब जाकर जिला पुलिस ने फिर से रामलाल ठाकुर को सलापड़ पुलिस चौकी से बदलकर सिटी चौकी मंडी का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। एसपी साहब ने मेरे द्वारा जो है सिटी चौकी मंडी के बतौर प्रभारी आदेश किए हैं, जो इन आदेशों की पालना करते हुए मैंने जो है यहाँ ज्वाइन कर लिया है। माननीय ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जो है माननीय एसपी साहब ने जो है मुझे यहाँ दोबारा उठा दिया। यह आदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।